हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खरीद से होंगे। तो गाइज चलिए आज का भी नया व्लॉग शुरू करते हैं। गाइज तो टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। जैसा कि आपको बताया कि आज मैंने माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक की 20वीं सहरी की है, तो अभी बस उठा हूँ। बस गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, कल से बारिशें लगी हुई थी, तो अभी वही आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी धुलवाने जा रहा था तो आपको साथ साथ दिखा, तो मेरे साथ रहिए। उसके बाद आके देखते हैं क्या प्लान है आज। अफ्तारी घर में करनी है, बाहर करनी है, कहाँ करनी है, जहाँ भी करनी है तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी तो गाइस घर से निकल आया हूँ मैं गाड़ी वॉश करवाने के लिए। चेक कर सकते हैं शीशे से भी, शायद आपको पता चल रहा होगा गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो गंदी हालत में तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो अभी इसीलिए जा रहा हूँ। इसको ज़रा टश मश कराते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। जी तो गाइस चेक करें, गाड़ी धुल के आ चुकी है। ये चेक करें, जी तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं गाड़ी धुलवा के सर्विस करा के उसकी घर वापस आ गया था, और उसके बाद मैंने आगे जोर की नमाज पढ़ी है। तो अभी बाहर से कुछ चीजें लाने वाली हैं, वो थोड़ी देर बाद जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:20। तो ये अफ्तारी की तैयारी जल्दी क्यों कर रहे हैं हम, ये भी एक सरप्राइज़ है। चलें सरप्राइज़ के रखने आप लोगों को बता देता हूँ। आज की अफ्तारी, जैसा कि सहरी मैंने आपको बताया था कि 20वीं सहरी माशाल्लाह से अभी हमने घर में की थी, और अफ्तारी जो है 20वें रोज़े की, वो हमने जाना है फैसल मस्जिद करने है सारी फैमिली ने। तो अजलान देखें माशाल्लाह से अभी तैयार हो गया, अजलान दिखाए। और ये मैं फ्राइज़ के लिए कर रहा हूँ, ये मैं पकौड़ों के लिए कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने क्या कर लूँ, उसके बाद बाहर से भी चीज़ें वगैरह लेके आनी है, कोई चूड़ियाँ रोल वगैरह और दही वगैरह घर वालों को ला के देना। तो फिर आज का व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, और फैसल मस्जिद पूरा जो व्लॉग बनेगा वो आप पूरा देखना मेरा। तो हम मैं भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा जो जो चीज़ होगी, या करेंगे या जाएंगे जब फैसल मस्जिद, तो आपको साथ साथ दिखाऊंगा। भाई ये पकौड़ों का मैंने सेटअप तैयार कर दिया, चेक कर सकते हैं आप। बंद गोभी, आलू प्याज काट दिए, इसके अंदर धनिया पुदीना बाकी जो मसाले वो मम्मी डाल देंगी, और ये यहाँ पे फ्राइज। जी तो गाइज मैंने वो पकौड़ों का और फ्राइज़ का सेटअप तो तैयार कर दिया। जैसे कि आपको पता है अभी बाजारों बाहर दही वगैरह लेना है, और साथ में लेना है रोल वगैरह, तो उसके बाद जीना भी जाने की चूड़ियाँ वगैरह लेने, तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी तो गाइज ये रोल वगैरह ले हैं और ये दही भी ला दिया। जी तो गाइज अभी रेडी हो चुके हैं, देखें सूट सूट मैंने बदल लिया और चीज़ें वगैरह सारी ला के दे दी हैं घर, और अभी बस निकलेंगे फैसल मस्जिद के लिए, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। उमर भी आ गई, चेक करें। उमर किधर जा रही हो? अच्छा तो मोइस किधर है? अभी काशिम लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस रेडी हो गए और गाड़ी भी स्टार्ट कर ली है, तो एक गाड़ी आ गई है और वो भी आपको दिखाते हैं। अभी बस निकलते हैं और साथ साथ आपको फिर दिखाते हैं। तो गाइस निकले हैं, गाड़ी हमारे आगे है जा रही, और एक ये मैं अपनी गाड़ी। तो गाइस ये एक बारी गाड़ी आगे जा रही है, ये चक्कर है।
और एक ये पीछे आल्टो जा रही है फैसल मस्जिद, और अभी अफ्तारी इंशाल्लाह आज हम फैसल मस्जिद करेंगे। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं, साथ रहिएगा जी। तो गाइस ये देखिए हम सेंट टॉरस के पास आ गए, सेंट टॉरस क्रॉस कर रहे हैं और फैसल मस्जिद की साइड पे रवात हुआ है। पहले दूसरी साइड पे गए, उस साइड पे पार्किंग फुल थी, अभी ये दूसरी साइड पे आए पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। तो अभी ये पार्क करते हैं गाड़ी, ये बस फैसल मस्जिद साइड चलते हैं जी। तो गाइस फैसल मस्जिद अभी पहुंच चुके हैं, चेक करें आप। और ये चॉइस साहब और ये बिलाल साहब, हाँ जी किधर आए हो? सही माहौल है, फिट। तो अभी बस जा रहे हैं अंदर, तो फिर नमाज पढ़ते हैं जाके असर की पहले, तो फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं, चेक करें। ये मोहित साहब भी आए हुए हैं और ये आगे फैमिली जा रही है हमारी। जी तो गाइस फैसल मस्जिद के अंदर पहुंच चुके हैं, अभी वजू करने गए उस्मान। तो मैं, ये मेरा वजू है, मैं घर से नहा के आया था, तो अभी बस वो वजू करके आया था, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो फिर नमाज पढ़ते हैं सबसे पहले। जी तो गाइस नमाज पढ़ ली असर की, तो अभी बाहर आके बैठे हैं, अभी सामान गाड़ी में पढ़ रहा है, तो निकालेंगे तो फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये कौन है? तो गाइस टाइम अभी तकरीबन रह गया है 30 मिनट, और गाइस साहब बयान कर रहे हैं, लोग इत्तेफाक पे भी बैठे हैं ना, तो उस वजह से वो थोड़ा बयान कर रहे हैं, तो आवाज़ मेरी आप लोगों को सही नहीं आ रही होगी। तो अभी बस लेके आते हैं अफ्तारी का सामान, तो आपको फिर दिखाते हैं।
जी तो गैस ये कचौरियाँ आ गई हमारे पास, ये रोल समोसे फ्राइज के नीचे हैं, और ये पकोड़े जामे शेरी चना चाट सब कुछ, ये चिकन समोसे, तो आपको साथ साथ फिर दिखाते हैं। जी तो गैस ऐसे मस्जिद की इफ्तारी में रोल समोसे चना चाट कचौरियाँ ये चेक करें, और ये पीछे फैसल मस्जिद। ये देखें गाइस कितना ज़्यादा रश है, अभी ये चेक करें, और ये हमारी इफ्तारी। इफ्तारी के टाइम फैसल मस्जिद चेक करें, और ये आवाम चेक करें। नमाज का वेट भी, जुमात में थोड़ा टाइम है तो अभी पढ़ते हैं बस नमाज, तो फिर आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। आवाम देखें वो सामने दामने को पीर सावा की रोड, ये चेक करें, और ये आवाम देखें सारी माशाल्लाह, हर तरफ आवाम ही आवाम। नमाज मगरिब अभी भी अदा की है, तो बस अभी देखते हैं क्या सीन है, तो घर वालों को पास चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। अभी बस घर के लिए जा रहे हैं वापसी तो आपको मेरे बालों से अंदाज़ा हो ही गया होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश बिल्कुल आने वाली है अभी बस चलते हैं घर तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, और ये लग रहा है बारिश आएगी, वैसे पहले भी बारिश आई, गाड़ियों में बैठते हैं गाड़ी लेने निकलते फिर आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, तो बाहर आ गए, बस अभी जा रहे हैं फैसल मस्जिद को विदा कह के, तो घर जाते हैं तो फिर गाड़ियों में जाके आपसे मिलते हैं। गोल्डन ही मुझे ये वाली अच्छी लगी, ये वाली मुझे, हाँ ये वाली कह रही यार, फुल स्पीड थी, चल देर क्या कर दी जा। तो गाइस अब निकलने का टाइम आ गया, गाड़ी हमारी जा रही है, और ये तो अभी बस चलते हैं तो घर जाके आपसे हम मुलाकात होती है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से 20वीं इफ्तारी फैसल मस्जिद में करके, और अभी हम सारे घर पहुंच चुके हैं, फैमिली बैठी है दूसरे कमरे में, तो बहुत मज़ा आया, बहुत तेज़ एंड में हवा चलने लगी, तो बारिश का मौसम बन गया था, तो अभी ये हमारे शुभन साहब ये सोए हुए हैं, तो इसी के साथ बस करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। शुभन